नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम हेडलाइंस राज्य में 6000 टपिला दैनिक संक्रमण संख्या 24 घंटे 6164 आक्रांत चिन्हट क्वारंटीन सेंटर 3575 लोकाल केस 2598 खोर्धार सर्वाधिक 1129 मामला कोरापुटे विवाह अंतिम संस्कार पर निर्देशनामा जारी कला जिला प्रशासन बाहर पर 50 अंतिम संस्कार में 20 लोकों अनुमति शोभायात्रा को बारण निर्देशनामा उल्लंघन कले दृढ़ कार्यानुष्ठान महाराष्ट्र में कड़ाला कोरोना कटक 15% कर्मचारी चलो सरकारी कार्यालय बाहर में सर्वाधिक 25 जन अनुमति उल्लंघन कले 50,000 टंकार फाइन मे 1 तारीख जाए रलबत्तर प्रवासी को नेबाकू आसीथिबा बेले बस को अटक रखिले ग्रामवासी बालेश्वर सोर खैरा थाना हरिपुर गार अंचल घटना ड्राइवर हेल्पर समेत 4 जन को पुलिस रे देले जीवा राउरकेला रे अभावनीय घटना रघुनाथपल्ली थाना ब्राह्मणी ब्रिज रो ब्राह्मणी नदी को डेले महिला पुलिस अग्निशम बाहिनी द्वारा उद्धार हो हॉस्पिटल रे भर्ती घर कड़े को नहीं महिला आत्महत्या उद्यम करथिबा सूचना पश्चिमबंग आज षष्ठ पर्याय मतदान कोविड कटकणा सह कड़ा सुरक्षा मध्यरे चली मतदान 43 आसन पर 306 प्रार्थी भाग्य निर्धारण कर 1 कोटी अधिक वोटर राज्य में 48 घंटा जाए काल बैशाखी आशंका विभिन्न जिला को सतर्क कला पाणिपाग विभाग परिस्थिति उपरे नजर रखा जिलापा निर्देश दे एसआरसी एथर संपूर्ण खबर राज्य में भयंकर स्थिति मात्र 24 घंटे राज्य 6164 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती यार मध्य खोर्धा जिलूार 1132 जन संक्रमण चिन्हट होती नुआपड़े द्वितीय सर्वाधिक 469 कलाहांडी 452 सुंदरगढ़ में 427 आक्रांत चिन्हट होती चिन्हट होता आक्रांत मध्य क्वारंटीन सेन्टर 3575 जन चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल अर्थात लोकाल केस्र संख्या 2599 रही समस्त आक्रांत 30 जिलूार चिन्हट होती गोटे दिन में 7 जन मृत्यु होती गंजाम और रायगढ़ 2 जन लेखाएं और कलाहांडी कंधमाल खोर्धा जिलूार जड़े लेखाएं मृत्यु होती 13 जिलूार 200 अधिक लेखाएं संक्रमित चिन्हट होती राज्य में सक्रिय संक्रमितों संख्या 35,075 में पहुंची तेज संपर्कित अधिक सूचना फोन लाइन रे जुड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति दिव्य कोरोना अपडेट नहीं कौन अधिक सूचना रही देखु चिन्मयी जो परिसंख्यान आसुची ताहा चिंताजनक समस्ते उभय सरकार हूँ साधारण जनता समस्ते आपको नहीं सचेतन होबार आवश्यक रही कौन जगार भी खामख्याल आमपाई भारी पड़ पे एभली स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने पूर्व चेतई किसी जगार आम खामख्याल रही जाइए जो संक्रमण द्रुत गति से बढ़ुची वर्तमान परिस्थिति सरकार आज अनेक गुड़े पदक्षेप ने जा सूचना मिली सरकारी सूत्र सरकार आज टीका संबंध में हूँ कि संक्रमण बढ़ुवा दृष्टिकोण अनेक गुरुत्वपूर्ण डिसीजन ने जहाँ भितर टीका किभली समग्र राज्यवासी को मिल पार खूब शीघ्र से दिगरे आज किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ने सरकार जमीक आप जानते आसाम हो कि केरल हो कि सिक्किम हो बिहार हो ये राज्य 18 वर्ष रु ऊर्ध जो टीकाकरण हे मे 1 रु से मागणा टीका जोगा देवाई घोषणा कर सारी आज राज्य सरकार पक्षर किसी घोषणा करने विधिवत निष्पत्ति ने जाती राज्य सरकार जहां सूचना रही अंपटे कोरोना मुकबिला पूर्व जो सब कमिटी गठन कराइला से सब कमिटी को पुणी थे सक्रिय करने को जाती राज्य सरकार जमीक प्रोक्यूरमेंट कमिटी हूँ कि आंतमंत्री स्तरीय कमिटी हूँ ये जो कमिटी को पुणी थे सक्रिय करने को जाऊ दायित्व बंटन बंटन कर दायित्व कौन रोक किभली कोरोना मुकबिला कारण कोरोना मुकबिला वर्तमान समय सबुठ बड़ चैलेंज हो सरकार पूर्वर यह अभिज्ञता आम पाई नाला यही अभिज्ञता निश्चय नुआ रण जो परिसंख्यान आसुची परिसंख्यान ओडिशा केवे देखी नाला आमर पूर्व 4000 पखापाखि सबुठ हाइएस्ट केस दैनिक संक्रमण किंतु वर्तमान संख्या 6000 क्रस कर सारा दृष्टि आगामी पदक्षेप कौन हे से नहीं आज विश्व बैठक बस बैठक में अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेब तेज बैठक पर नजर रही आउ गोटे कथा आज स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जो डिस्ट्रिक्टर स्वास्थ्य अधिकारी मान रही जिला स्वास्थ्य अधिकारी मान सहित बैठक करेंगे तो बैठक में विभिन्न दिग पर आलोचना हेब जमी आप जानते विभिन्न राज्य में ऑक्सीजन रो घोर अभाव रही सहित स्वास्थ्य भित्तिभूमि विभिन्न असुविधा चित्र को आस दृष्टिकोण स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी मानक नहीं बैठक बसवार अच्छी बैठक में
विभिन्न जिलार जो वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मान अच्छा सामानक नहीं गुरुत्वपूर्ण आलोचना हे जे कि जिला स्तर यार मुकाबला क्यों जगार असुविधा रही क्योंकि यार समाधान क्यों ऑक्सीजन कम रही क्यों वेंटिलेटर कम रही तार विश्व रिपोर्ट मगा अंपटे आप जानते हैं मुख्यमंत्री किसी दिन तले समीक्षा बैठक करते जो छह गोटी गुरुत्वपूर्ण दिग पर गुरुत्व देवाई कहला जमीक आप जानते ऑक्सीजन ठू आरंभ कर स्वास्थ्य भित्तिमि डाक्तर मानक तुरंत नियोजित दिग्गे मुख्यमंत्री निर्देश देते जो गत काली डीएमए टीम पक्ष गोटे निर्देशनामा जारी कराई जो मैंने भी कार्य जोग देना जदि से कार्य जोग न दिंती ताहले आमर जो आईन रही डिजास्टर मैनेजमेंट आक्ट 2003 से बलने से विरोध में कार्यानि तुरंत से कोविड परिचालना कोविड चिकित्सा क्षेत्र में योगदान करूँ लोक चिकित्सित करूँ कारण बर्तमान अनेक लोक चिकित्सा आवश्यक पड़ी ता सहित बेड वृद्धि करने सरकार विभिन्न उपाय लग पड़ते आप देखिए विभिन्न जो कोविड हॉस्पिटल गुड़िक बेड संख्या वृद्धि करा सहित बर्तमान सरकार चिंता करीएमसी हो कोविड केयर सेंटर हो कि विभिन्न कल्याण मंडप गुड़िक रही अस्थायी मेडिकल खोल सरकार चिंता कर आगामी दिन संख्या बढ़े सब पदक ना सरकार बर्तमान चिंता कर निश्चित भाव में दिव्य बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना तेज बर्तमान संपर्कित अधिक अपडेट सुंदरगढ़ आम प्रतिनिधि जोड़ी होती तबे सागर वर्तमान सुंदरगढ़ स्थिति कौन रही देखु चिन्मय कोरोनार स्थित सुंदरगढ़ में एक प्रकार अनायत हो जाए अत्युक्ति हेनी कारण चलित मस ही 6000 ऊर्ध कोरोना आक्रांत चिन्हट हो सारी आज जदि कथा कह 427 जन चिन्हट हो तो ये जिला प्रशासन मध्य विलंबर हो तत्परता बर्तमान देखा मिलूँ जो अनुष्ठान गुड़िक कोविड कटकणा को उल्लंघन करते सिल करा फाइन कराए पुलिस प्रशासन पक्षर चेकिंग करमानियागिद फाइन करपटे सुंदरगढ़ जिलार 13 अंचल को बर्तमान माइक्रो कंटेनमेंट जोन करो अंचल बेसी कोरोना रोगी चिन्हट होती से सब अंचल को बर्तमान जहाँ कोविड स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने जिला प्रशासन चेष्टा कोविड स्वास्थ्य सेवा उपर गोटे बरदान पलटी राउरकेलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तार ताकू 17 37 आईसीयू बेड विशिष्ट एक कोविड केयर सेंटर सेठारे खोल व्यवस्था वर्तमान करा छड़ा सुंदरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे एनटीपीसी कोविड केयर सेंटर रही सेठारे 400 बेड रही 200 बेड रे वर्तमान ऑक्सीजन उपलब्ध करायबार प्रशासन व्यवस्था निश्चित भाव में सागर वर्तमान प्रशासन समस्त प्रकार प्रस्तुति करुछि एवं किभली भाव में कोरोना रो मुकाबला करा जिवो से नै मध्य अधिकरु अधिक वर्तमान समस्त बंदोबस्त करा जाउछि बहुत बहुत धन्यवाद सागर आम सहित जोड़ी होते सुंदरगढ़ रु एवं कोरोना संपर्क में अधिक अपडेट दे संक्रमण सह मृत्यु संख्या बढ़िबा परे महाराष्ट्र रे कोरोना कटकणा को आहुरी कड़ाकड़ी करा जाइछि नुआ कटकणा अनुजाई एबे महाराष्ट्र रे बाहाघर कार्यक्रम रे सर्वाधिक 25 जन लोक जोग दे पारिबे बाहाघर कार्यक्रम 2 घंटा मध्ये रे शेष हबो जदि कोनोसी परिवार लोक नियम को उल्लंघन करिबे ताहाले सेमानको उपरे 50,000 टंका रो जरिमाना लागू करा जिवो कोनोसी मंडप किंबा होटल कोरोना कटकणा को उल्लंघन करिबे ताहाले संक्रमण दूर हेबा जाय सेगुडी को सील करा जिवो सेपरि उभय सरकारी ओ घरोई ऑफिस गुडी को निज क्षमतार 15% कर्मचारी को नहीं काम करिबे यहासह साधारण परिवहन व्यवस्था को केवल सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सा पाई जिबा को थिबा लोक माने व्यवहार करिपारिबे घरोई गाड़ी गुड़िक निज क्षमतार 50% लोक नहीं चलाइबा को निर्देश देछंती सरकार एही नियम आज ठारु आरंभ होई मे 1 तारीख सकाळ 7 जाय बलबत्तर रहिबो राज्य में एवं कोरोना संक्रमण बढ़ी चली यार मुकाबला लगी राज्य सरकार विभिन्न पर्यायर आयुष पिजी अन्य डाक्तर को विभिन्न जिला को पठाई मात्र केतेक डाक्तर सब जिला को जिबा लागि अमंग होउछन्ती एपरिक कार्य जोग देउनाहांती तेणु एही डाक्तर मानंकु आसंता 7 दिन भितर कार्य जोग देबाकु राज्य सरकार निर्देश देइछन्ती नचेत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली डीएमईटी पक्षरु सब जिला
सीडीएमओ मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष को चिट्ठी दिया जाय छी चलित महामारी को जातीय विपर्जय बोली घोषणा करा जाय छी एभळी एक परिस्थिति रे डाक्टर माने कार्य रे जोगन देबा कोविड लढाई रो जिला प्रशासन पई समस्या सृष्टि करू छी तनु कोविड ड्यूटी रे नियोजित होइतिबा डाक्टर मानन को सेवारंग जिला रे कार्य रे जोग देबा को कह जाय छी नचे 2005 विपर्जय आईन ओ भारतीय मेडिकल काउंसिल धारा 7 अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जइबो। कोरापुट जिले में बाहर अंतिम संस्कार निर्देशनामा जारी कला जिला प्रशासन बहु अंतिम कार्य जिले में रही थानार आईआईसी किंबा ओआईसी अनुमति प्रदान करेंगे। बाहर में 50 जन अंतिम संस्कार में 20 लोकों समावेश अनुमति दिजिव से बहुत शोभा बारण होर्देशनामा को उल्लंघन कले दृढ़ कार्यानुष्ठान। बरगढ़ जिलार आसला अभावनीय चित्र 24 घंटा धरी घरे पड़ रहा कोरोना संक्रमित शव प्रशासन पक्ष शव सत्कार कर अभोग बरगढ़ पद्मपुर उपखंड घनामाल गांव सत्यजित साहू कोरोना संक्रमित होगा पर मृत्यु घटी है। मृत्युर 24 घंटा बीती जाते सुधा शव सत्कार हो पार एभलिक 5 दिन पूर्व पुओंर कोविड आक्रांत मृत्यु घटी स्त्री और झील कोरोन आक्रांत एने उपजिलापाल तहसिलदार एडीएमओ समस्त अधिकारी जनईले शव सत्कार कोनोसी सहायता मिल पारि नथिला फळरे बरगढ़ एक स्वेच्छासेवी संगठन खबर पाई विलंबित राति रे घनामाल गांव में पहुंची शव सत्कार करथिबा जना पड़िछि फळरे प्रशासन रो अवहेला पदार पड़िछि। मोर बापा सत्यानंद साहू बेलानु पड़ी करि मरिसन जे 15-17 घंटा कि 20 घंटा हेबा केते घंटा हेबा ए त मोय हिसाब नै करि आग्या बोले किए गोटे आमर पाके कि किए गोटे आमको इटा नहीं कले से गत बुधवार दिन 14 तारीख कोविड पॉजिटिव थिला आज खराब हो गला बोले ताकि किए गोटे तार शव के भी नेबार लगे नहीं कले आसिले आगे कि किए आमको नहीं पचराले। बरगड़ संकल्प परिवार भाई मैंने आर पश्चिम ओडिशा युवा मंच भाई मैंने आसिकी ताकर सत्कार कले से ताको मोर अशेष अशेष धन्यवाद आज्ञा। गला काली 7 बजे आम खबर पाइलु जे गोटे पदमपुर बरगढ़ पदमपुर ब्लॉक घनामाल गाँव में जन कोविड डेथ करिछन तो आम संकल्प परिवार पश्चिम ओडिशा जीवा मैं तक गाँव के जाइलु आनु गलापर आम देखलू तर अवस्था बहुत सांघातिक जिनकी तक गाँव लोक कि फैमिली कि प्रशासन कहीं तक पाके ना आसुते कि कहीं साहय हाथ ना बढ़ुते तो आम सेनके गलापर आम 7:30 तक पहुँची जाइलु आउ पखापाखि 2 बजे आम तक शव संस्कार करूँ कहीं बोले नेबार के गाड़ी ना थे कि किसी प्रकार पीपीटी किट ना थे कि मास्क ग्लोव किसी ना थे आम गला पर अरेंजमेंट करूँ और व्यवस्था करूँ प्रशासन ये जिनिस बहुत ढिला करे आटा सुधार करवार कथा। नियम उल्लंघन करी बाहर राज्यर श्रमिक नेबापाई आसीथिबा एक बस को जबत कला खैरा पुलिस। बालेश्वर जिला खैरा थाना हरिपुर ग्राम को श्रमिक नेबाक आसीथिबा केरल राज्यर एक बस को जबत करिछि खैरा पुलिस। केरल राज्यर कोयंबातूर युरड अंचल एक घरोई बस श्रमिक नेबापाई हरिपुर अंचल में पहुंचीला। स्थानीय ग्रामवासी माने बस को अटकाई खैरा थाना को खबर देते खबर पाई खैरा पुलिस घटनास्थल पहुंची बस समेत ड्राइवर हेल्पर और स्थानीय अंचल दुईज युवक को थाना अटक रखी तदंत चल। राउरकेलारे अभावनीय घटना ब्राह्मणी ब्रिज्रु नदी को डेई महिला आत्महत्या उद्यम नदी में बुड़ जाता बेले अग्निशम विभाग कर्मचारी उद्धार कर स्थानीय लोकों सहायता में महिला गुरुतर अवस्था सरकारी हस्पिटाल भर्ती कर आत्महत्यार कारण घर कल हो अनुमान उद्धार होता महिला जनक सुधा लाहर बोली जमापड़ से ब्राह्मणी तरंग थाना सिंगटोला रुहते केन्दुझर जोड़ा अंचल बड़धरण डकायती उद्यम पंड मारणास्त्र 4 बंधुक सह 3 डकायत को गिरफ्त कर पुलिस। जोड़ा थाना अंतर्गत देवझर मुर्गाबेड़ा ग्राम जंगल मझे किसी डकायत संघबद्ध भाव योजना करुते कौन सूत्र खबर पाई जोड़ा पुलिस चढ़ाऊ कर 3 जन डकायत को काबू कर अंधारर सुजोग नहीं अन्य डकायत मैंने घटनास्थल चंपट मारी चढ़ाऊ में एक बड़धरण डकायती उद्यम पंड होता जमापड़ गिरफ्त डकायत मान 4 बंधुक 6 अफुटा 4 छुरी 11 मोबाइल डकायती व्यवहृत गोटे स्कूटी और गोटे कार एवं
11,770 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୋଡ଼ା ବାଞ୍ଚୁହାଟିଂ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସୂଚନା ଏହା ଥିଲା କି 5-6 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତ ଦେଉଝର ମୁର୍ଗାବେଡ଼ା ଭିଲେଜ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଡକାୟତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆମର ଯୋଡ଼ା ଏସିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ 2 ସାଇଡ଼ରୁ କଡ଼ନ କରି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚେଜ୍ କଲାପରେ 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 2 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆମକୁ 4 ଫାୟାର ଆର୍ମ ଯେଥିରୁ 2 ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ଼୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସଟ୍ ପିସ୍ତଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ଼୍ ରିଭଲଭର୍, ତା ସହିତ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ରୁ 11 ମୋବାଇଲ୍, ଗୋଟେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, 11,770 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନକ୍ରିମେଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଯଥା ନାଇଫ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂରାପୂରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ନଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୃତ ମହିଳା ରେଖା ମହନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କଧର ମହାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଏକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଦେହ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଦେହ ଅସୁବିଧା ନମ୍ବର ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସେ ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଦେଲା, ତରକାରୀ କରିକି ଦେଲା, ସବୁ କରିକି ଦେଲା, ଫୋନ୍ କଲା 2-3 ଥର ବି କଥା ହେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ଫୋନ୍ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖେଇଲା, ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବି ଅଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ଗଲା ବର୍ଷ 80-90 ହଜାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ୍, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରିବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଆଉ। 400 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ କୋଭିସିଲ୍ଡ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସିଇଓ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଥିପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ICMR ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କୋଭିସିଲ୍ଡଠୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 400, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 600, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳିବ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓ କୋଭିସିଲ୍ଡ। ମେ 1ରୁ 18 ବୟସ୍କରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ର ଦାମ କେତେ ରହିବ ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିରମ୍ ସିଇଓ ଆଦାର ପୁନାବାଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ଟିକା ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା। ଆମେରିକାର ଫାଇଜରର ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ର ଦାମ 1500 ଓ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ବିର ମୂଲ୍ୟ 750 ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ ରହିଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 2 ମାସରେ ସିରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଯିବ। ସେପଟେ ICMR କହିଛି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍, ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାନ୍ ସହ ବି ଏହା ଲଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% जो उनका मंथली डोजेज है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स 1 मई से पहले एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने दाम या मूल्य घोषित करेंगे जो वो उस 50% सप्लाई के लिए लेंगे जो भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में वो उपलब्ध कराएंगे। इस घोषित मूल्य के आधार पर प्राइवेट अस्पताल या जो राज्य सरकारें हैं या इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स जिनके अस्पताल हैं, यानी या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत 3.0 अनुसार स्वदेशी वैक्सीन विकास और उत्पादन उपरे गुरुत्व दिया जाउछि।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌କୁ 3000 କୋଟି ଓ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍‌କୁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। आईएस बाबू गुंडागिरी रास्तार लोक पिटी पिटी कले लहुलुहाण आ बाबू नाँ दायर है मामलों सेपटे आईएस बाबू भिवे जादव को प्रतिक्रिया नेवा को चेष्टा करिबारु सांबादिकों को बाबू डाकिले घर को आ सरकारी क्वार्टर्स रे बाबू आनी किंतु सांबादिकों नाँ एतला देबार देले पालटा धमक जड़े आईएस बाबू नाँ संगीन अभियोग आसीथिबा बळे कमिशनरेट पुलिस कहिछि घटना नजर रे अछि। पावरफुल आईएस बाबू भिवे जादव को दादागिरी आउ बाबूआणीकर जुलुम सरकारी क्वार्टर्स आगे लोकों पिटी बद को आसी मिस्टर एंड मिसेस यादव आउ आईएस बाबू नाँ थाना होतेला आउ रास्ता उपरे लोकों पिटार संगीन अभियोग आसी आईएस बाबू भिवि यादव नाँ आईएस बाबू समांतवादी चिंताधारा बाबू घर सामने कुकुर बुलिले बाबू को प्रोब्लेम राज्य सरकार खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग सचिव भिवि यादव बाबू को घर सामने बाबू को दादागिरी लाबोरेटरी जड़े पिओन बाबू को घर बाट दे कुकुर बुले नहीं जाता समय सचिव भिवि यादव तांक धर्मपत्नी सिक्युरीटी गार्ड पर्यंत समस्ते माड़ मारी लहुलुहाण कर अभियोग कालुचरण बेहरा आउ पुलिस कही घटना उपरे नजर रही कहीं मो गेट पाखे नहीं जाऊली से कुकुरटा को छाड़ी मत गोईटा विदा मार गोईटा मारिक तले फोपड़ी दे जो जातव जातव मत तले फोपड़ी दे स्त्री तार दीज जाक मिसिक मत मारे थाना से कहले तुम्हें गोटे डाक्तर सर्टिफिकेट आण से जो एफआईआर दिए रे मुतिक दबा एफआईआर देलु एफआईआर देला परे सार कहले एफआईआर देई सनु तापर आपे आमे आपन को सब करिवु मैं तो आमे एफआईआर देई छु आमे चाहू छु हमको न्याय मिलु हमको जमिते ले न्याय मिलु पुरा बोलिया एफआईआर हिजि सार जों को वी आर लुकिंग आईएस बाबू को नारे संगीन अभिजोग प्रतिक्रिया देबा पई आईएस बाबू गण माध्यम प्रतिनिधि को घर को डाकिले आपन को मोर बाइक ता नेबा रे छी आपन घर रु नहीं जान वी आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन यू कैन कंफर्टेबली कम एंड टेक माय बाइक थैंक यू सर किंतु सचिवंक धर्मपत्नी गेट बंद करी पुलिस कुडाकी केस करिवार पालटा धमक देले गणमाध्यम प्रतिनिधि को काहेकि की प्रतिक्रिया रखिबो कहिबा स खराब व्यवहार मध्य कले मैडम कर राग एमिति पंचम हला जे सिक्युरिटी को कही गेट बंद करी मिछ केस देबा कथा कहिबा स मीडिया को एथिक्स रो पाठ पढाइले बाबू आईन रो पाठ पढै घर को प्रतिक्रिया रखबा पई डाकुचंती आपन को मोर बाइक ता नेबा रहछि आपन घर रु नै जान We are a law-abiding citizen. You can comfortably come and take my bike. केहि घर नथवा कथा कहचंती सिक्युरिटी गार्ड सर कोन कहले तबे एबे देखंतु बाबू को घरे कॉलिंग बेल मारिबा परे भी केहि उत्तर देउ नहंती आउ एबे देखंतु कैमरे रे शूटिंग हेउथवार देखि मैडम केबिति मिछो केस रो जुलुम देखाउचंती सचिव भिवि यादव जदि कहा विरोध रे अभियोग करिथांते ताहाले कोन तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान होइ नथांता ना पुलिस जणे आईएस को विरोध रे अभियोग होइछि बोली तदंत न करी केवल ए घटना को नजर रे रखिछि पूर्वरो राज्य रे ऑफिसर क राज चलितबार अभियोग होतबा बळे ए घटना पुणि तरे एको प्रमाणित करिवो ना सामान्य घर सामने रे कुकुर बुलेबा कुनै माड़ खाई लहुलुहाण होइतबा व्यक्ति को न्याय मिलिबो ताकु ही अपेक्षा भुवनेश्वर कविता स्वाई प्रदीप्त महापात्र और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त अच्छे बुलेटिन को इठ रखु नमस्कार।